सबसे पहले आप सभी फौजी भाइयों को जय हिंद जय हिंद। नमस्कार साथियों, साथियों मैं वैभव सिंह आपके अपने YouTube चैनल फौजी भाई 007 से। साथियों आज मैं वीडियो लेके आया हूँ, बहुत जरूरी वीडियो है। साथियों आज मैं देखा है कोई Instagram पे, कोई YouTube पे, कोई कहीं मतलब कच्चा बादाम पे रील बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, मतलब क्या वो इंडियन आर्मी की वर्दी पहन के, ठीक है, कोई इंडियन आर्मी की वो टी शर्ट पहन के कहीं जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है इंडियन आर्मी के बारे में। थोड़ा रिस्पेक्ट करो यार मेरे भाई। आजकल क्या है यार, कहीं देखो शॉप खुले ना, वहाँ पे भी टी शर्ट मिल जाता है इंडियन आर्मी का। कोई साला बकरी भी चला रहा है ना तो इंडियन आर्मी की टी शर्ट पहन के चला रहा है। तो भैया रिस्पेक्ट करो यार इंडियन आर्मी की, हमारे लिए सीमा पे खड़े होकर रात रात सेवा देते हैं, कुछ तो यार शर्म करो यार, कुछ शर्म करो यार। इंडियन आर्मी की वर्दी यार ऐसे नहीं मिल जाती, तमाम खुशियाँ दांव पे लगाना पड़ता है। इंडियन आर्मी की कीमत पूछना हो तो जाके उन बच्चों से पूछो जो दिन रात एक कर देते हैं, ठीक है ना। अभी हम एक क्लिप डालेंगे एक लड़की की, देखिए वो कैसे क्या बोल रही है। अरे दोस्तों रुको, वीडियो लाइक मत करना। कैसे क्या बोल रही है यार, वो तो लड़की ठहरी, कोई और होता तो फिर बहुत कुछ हो जाता, क्या बोलू मैं उसको। लेकिन यही है कि इज्जत करो, सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो यार। इंडियन आर्मी है इंडियन आर्मी, गांड से घोड़ा खुल जाता है बहन, जब तब जाके इंडियन आर्मी की वर्दी मिल जाती है, ठीक है ना। अगर उसका एक कीमत पूछना हो ना तो जाके उस लड़के से पूछो जो मैं जो दिन रात पगडंडियों पे मेहनत करता है, दौड़ता है, पढ़ता है, आंखें फोड़ता है, तब एक साल दो साल मेहनत करने के बाद में रनिंग निकलती है, ठीक है, और रनिंग निकलने के बाद में मेडिकल फिट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, उसके बाद एग्जाम होता है, फिर एग्जाम क्लियर करता है, फिर मेरिट बनती है, फिर मेरिट पास करके फिर ट्रेनिंग पे जाता है, फिर वो एक फौजी बनता है, ठीक है ना। मतलब जितनी मेहनत यहाँ पे करते हैं ना उससे कई गुना ज्यादा इंडियन आर्मी में जाने के बाद मेहनत होती है, ठीक है ना भाई। इंडियन मतलब आर्मी की रिस्पेक्ट करो, ठीक है, और ये मत भूलो कि बैंड जो तुम लोग पहन लो तो चलो, मादर जो बकरी चराते हैं कुछ करते हैं वो तो पहनते हैं, मैंने देखा कई एकेडमी के संचालक भी इंडियन आर्मी की वर्दी पहन लेते हैं, है क्या तुम, और क्या तुम्हारे एकेडमी से बच्चे बन गए फौजी में, मानते हो तो तुम क्या इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट करना भूल जाओगे। तुमको तो पता होना चाहिए कि मतलब कैसे क्या, कैसे वर्दी मिलती है, क्या करना है, तुम भी तो पहन के। आजकल साला तो ट्रेंड चल गया, कोई भी टी शर्ट इंडियन आर्मी की पहन लेता है, और बहन चो क्या होता है इंस्टा पे रील बना रहा है, कहीं फेसबुक पे रील डाल रहा है, कोई भी यार कुछ भी यार। अरे भैया मेरे देश के वो जवान है, ठीक है, हम लोग उन्हीं के कारण रात में चैन से सोते हैं, ठीक है, तो उनका रिस्पेक्ट करो, उनकी इज्जत करो, उनको सम्मान दो। पता है जब किसी के घर का बच्चा बॉर्डर पे सरहद पे ड्यूटी कर रहा होता ना, अगर 12 बजे रात के उसके घर पे कॉल आ गई ना तो एकदम डर जाता है कि कैसे मतलब क्या हो गया, क्यों कॉल आ गई, ठीक है ना। रात रात भर मतलब वो तो सोता नहीं है, लेकिन उसके घर पे उसके माँ बाप कोई नहीं सोते हैं, डरते रहते हैं, डर लगता है। लेकिन बहन चोद कोई रिस्पेक्ट नहीं करता इंडियन आर्मी की। अरे इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट करना सीखो, वर्दी ऐसे नहीं मिल जाती, तमाम खुशियां दांव पे लगाना पड़ता है। बहुत सारे मेरे भाई हैं तो इंडियन आर्मी कैप लगा लेंगे, कैप कहीं उल्टी लगा लेंगे, कहीं तिरछी लगा लेंगे रील के चक्कर में, तो भाई मेरे बहुत गलत चीज है, ठीक है, इसको या वार्निंग समझो या कुछ भी समझो, ठीक है। और अगली वीडियो में कोई भी दिखाना तो सीधा गाली, और इस पे बहनचोद कोई आवाज ही नहीं उठाता, चाहे वो मीडिया हो या कोई एकेडमी का संचालक, बहनचोद खुद पहनते क्या आवाज उठाएंगे, मैंने देखा कोई आवाज ही नहीं। मतलब एक ट्रेंड चल गया, किसी शॉपिंग मॉल में कहीं भी जाओ बस इंडियन आर्मी का वो पैंट, इंडियन आर्मी की जो पहन लेते, टोपी कैप होती है ना उस पे आर्मी भी लिखा होता है, तिरंगा भी छपा होता है, अपने देश का सम्मान मैंने देखा इधर उधर यहाँ भी रख देते हैं, वहाँ रख देते हैं, ठीक है। क्या चलता है यार, क्या है मतलब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ना इस पे कोई आवाज उठाने वाला है, ना सरकार से, मतलब इसको बंद करो यार, बाजार में मिलना एकदम बंद करो, जहाँ देखो किसी भी शॉप पे जाओ, किसी भी मॉल में जाओ, टी शर्ट मिल रहा है। जो मेरे इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं ना जो भाई, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेरे भाई आप भी सम्मान करो, और दूसरों को मतलब बताओ कि ऐसा नहीं होता है, दूसरा कोई टी शर्ट पहन रहा है इधर उधर फेंक रहा है तो उसे एक बार समझाओ, ठीक है, और कुछ समझो मेरे भाई। यहाँ तक तो मैं कहना चाहूंगा कि उनको भी नहीं पहनना चाहिए इंडियन आर्मी की वर्दी ना टी शर्ट, जो अभी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं भाई। हाँ। आपको तो पता है कि कैसे मिलती है, सही बात है, ठीक है, उनको भी इंडियन आर्मी का टी शर्ट वर्दी कुछ पहनना नहीं चाहिए, कैसे मिलता है क्या मिलता है आपको तो पता है ना। तो प्लीज इस वीडियो के माध्यम से आप आज देखना, वीडियो में 2-3 क्लिप डालेंगे ऐसी। बकरी कोई भी भैंसों की लाइन में नहीं चलेगी, अलग अलग जो मतलब वर्दी पहन के टी शर्ट पहन के इधर उधर वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं यार, कुछ भी यार, कुछ भी बना रहे, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है उसके सिवा। अरे बैंड कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो।
तो प्लीज दोस्तों ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उन बहन चोदों के पास वीडियो पहुंचे जो कि इस वीडियो से कुछ सीखें, और उनके पास भी वीडियो पहुंचे जो इस वीडियो से आवाज उठाएं, इसको बंद करवाएं। ये अच्छा नहीं लगता देश के प्रति, बहुत हीनता की बात है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ।